गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो भाई मैं भी काफ़ी अच्छा हूँ। तो आज अपना 75 हार्ड का 59 डे, मेरे को हिंदी में बोलना नहीं आता भाई, वो 59 डे आज अपना 75 हार्ड का। तो आज अपर डाल रहा है भाई, क्योंकि ठंडी हवा चलती है ना। तो चेस्ट कल डॉक्टर के गया था, वो कह रहे थे कि चेस्ट में थोड़ी सी आपको ना सर्दी लग चुकी है, तो इसलिए थोड़ा टेक केयर करो। तो इस वजह से भाई अपर डाल रहा है। तो अभी चलते हैं अपना वर्कआउट करने भाई। तो चलो तो भाई, और ठंड शुरू हो चुकी है भाई, सर्दी का आनंद लो और वर्कआउट करो जितना हो सके, बढ़िया खाओ भाई। तो भाई आ चुके अपना वर्कआउट करने, और काफ़ी देख गंदगी हो रही भाई यहाँ पे। मैंने आपको बताया था ना कि जागरण था, तो इस वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ना मतलब गंदगी सी हो चुकी है। तो अपना पुशअप मारते हैं भाई, तो अलग अलग तरीके से पुशअप मारेंगे। तो चलो वर्कआउट करते हैं भाई स्टार्ट। Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck. तो भाई वर्कआउट खत्म करके आ चुके हैं, और वर्कआउट के बाद की कंडीशन ये है भाई अपने। तो भाई मस्त नहा धो के रेडी हो चुके हैं, और अभी मैं दूध पी रहा हूँ, क्योंकि भाई वहां से वर्कआउट करने के बाद ना मैं चने खा के सो गया था थोड़ी देर। तो अभी दूध पी रहे हैं। और भाई मैं एक चीज़ और बता दूं कि रात को मैं दूध नहीं पीता, क्योंकि रीज़न क्या है कि मैं रात को 1.5 लीटर पानी पी के सोता हूँ, तो इसलिए दिन में एक ही बारी दूध पीते हैं। तो एक बड़ा गिलास भर के पियेंगे भाई पूरा। तो भाई टाइम हो चुका है अपने सेकंड वर्कआउट का, और मैं जस्ट सो के अभी उठाऊँ, और मम्मी जी भी आ गई है भाई। तो एक बार पानी वाला टास्क कंप्लीट करते हैं, फिर अच्छे ऊपर चल के बात करेंगे। तो भाई वर्कआउट करने आए हैं छत पे, और मैं सोया पड़ा था भाई, मेरे को कोई भी आइडिया नहीं था कि बारिश आ रही है। तो अभी मम्मी आए हैं, तो मम्मी बता रहे थे कि बारिश आ रही है, बट मैं बोला कि नहीं आ रही बारिश, क्योंकि अभी नहीं आ रही ना। तो बट ऊपर आके देखा तो भाई सारी छत गिल्ली हुई पड़ी है। और हाँ मैं आपको ये बता दूँ कि अपना बाहर वाली फर्स्ट वर्कआउट तो आपको पता ही है कि बाहर कर ली थी, सेकंड वर्कआउट अपना घर पे कर लेंगे, क्योंकि ठंड भी है भाई। तो जिस वजह से अपना सेकंड वर्कआउट घर पे कर लेंगे भाई हम। तो अभी वाइपर मारते हैं, फिर अपना फटाफट से वर्कआउट स्टार्ट करते हैं भाई। पूरी छत पे वाइपर मारेंगे, इसमें ही अपनी वार्म अप हो जाएगी, 5-7 मिनट आराम से लग जाएंगे, 10 मिनट के करीब। सारी छत पर पानी पानी हो पड़ा है।
भाई ठंड शुरू हो चुकी है, इसका मीनिंग ये है बारिश आई है, तो बारिश आएगी तो ठंड भी शुरू होगी। भगवान जी थोड़ी दया करो, अभी से ठंड मत करो। Feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm f***ed off at these f***ing clowns. Hoover up taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. To be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring. Yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring. तो भाई फाइनली अपने वर्कआउट खत्म हो चुके हैं। आपको पता है भाई ऊपर छत पे गया था मैं वर्कआउट करने, तो भाई वाई पर मारने के बाद 10 मिनट मैंने नॉर्मल स्किपिंग करी। स्किपिंग करने के बाद जैसे ही भाई दूसरी वर्कआउट करने लगा ना, तभी बारिश आ गई, जिस वजह से नीचे घर पे आना पड़ा। तो भाई नीचे अपना वर्कआउट करिए अच्छे से। तो अपने वर्कआउट खत्म हो चुके हैं, प्रोटीन पीते हैं। लो भाई खाना आ चुका है अपना। सब्जी तो बहुत ज्यादा है मम्मी, दो रोटी खा रहे, कई दिन में रोटी खा रहा ना, चावल चावल। तो भाई सब्जी में है आलू, गाजर, मटर और साथ में दो रोटी, और ये ऊपर देसी घी अपना टिंडी घी जो मम्मी ने निकाला था भाई घर में ही। तो चलो खाना खाते हैं। तो भाई खाना खा लिया है और अब आपको बताता हूँ कि भाई सीजनल सब्जी आपको सबको पता ही है भाई कितनी टेस्टी लगती है। जैसे साग हो गया, गाजर मूली होगी भाई, भाई ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है चीज़ें। सब्जी जो सीजनल होती है ना उसका एक अलग ही टेस्ट होता है। और भाई आपको पता है गाजर की जो सब्जी है ना वो बनने के बाद ना मीठा मीठा टेस्ट आता है, काफ़ी ज़्यादा मस्त लगती है वो, और मेरी तो फेवरेट है भाई। आप भी कमेंट करके बताना कि आपकी किस किस की फेवरेट है। तो अभी अपना पढ़ते हैं रिच डैड पुअर डैड, सॉरी, तो करते हैं अपने व्लॉग का ही पेंड और मैं आराम से बैठ के बुक पढ़ूंगा भाई बिस्तरे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय, टेक केयर, जय श्री राम आप सभी को।